भाई चलती चल भाई फ्रैंकलिन जल्दी चल मुझसे तो इंतजार नहीं आज डायमंड ट्रेन को देखने का अरे रुक यार चौप बस पहुंच ही गए गाइस सुबह से पूरे शहर में ये न्यूज फैली हुई है कि अवेंजर्स का जो बुलेट ट्रेन का लिटरली में ट्रेन स्टेशन है ना उस पर आज दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी डायमंड बुलेट ट्रेन आने वाली है और भाई साहब यहाँ पर तो अवेंजर्स ने अपने ट्रेन स्टेशन को अपग्रेड भी करा लिया वो माई गॉड यहाँ पर तो ऑलरेडी काफी क्राउड आया पड़ा है दोस्तों क्या बात है मुझे तो लगता है भाई सच में डायमंड बुलेट ट्रेन स्टेशन आ गया अरे नहीं वैसे तो ये नॉर्मल बुलेट ट्रेन स्टेशन है बट हाँ जो ट्रेन आएगी वो होगा भाई साहब डायमंड का पूरा का पूरा ट्रेन डायमंड वैसे बना होने वाला है भाई कल भाई यहाँ पे तो भाई साहब दुनिया के अमीर लोगों से लेकर गरीब सब आया ये बात तो सही कही भाई साहब यहाँ पर इतने ही सारे एवेंजर्स ने सीट्स का इंतजाम करा दिया है आई थिंक इनको पहले से पता होगा कि भाई साहब यहाँ पर पब्लिक आने वाली है डायमंड बुलेट ट्रेन स्टेशन को देखने के लिए और डायमंड बुलेट ट्रेन को देखने के लिए और यहाँ पर खाने पीने का भी इंतजाम हो चुका है अरे वाह भाई पर कैसा दिया है या पाँच डॉलर पाँच डॉलर अच्छा चलो ठीक है दाम भी कुछ ज़्यादा महंगे नहीं है मतलब अवेंजर्स ने सही झुकाड़ी कर लिया गया अपने ट्रेन स्टेशन का आज तो इनकी जम के कमाई होगी भाई साहब क्राउड इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि भाई सीटों पे भी नहीं बैठे है, हैं खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी डायमंड ट्रेन भाई साहब मैं भी जाके पूछ ही लेता हूँ अरे अवेंजर्स ये डायमंड बुलेट ट्रेन कब आएगी अरे बाप रे अंकलिन भैया हमें तो छोड़ी गए आप हमें भी तो डायमंड बुलेट ट्रेन देखनी है वो कैसे बनी है किसने बनाई है अरे दुनिया के दस अमीर लोगों ने मिलकर अपना पैसा लगाया और भाई मुझे दिया उसके बाद मैंने वो डायमंड बुलेट ट्रेन बनाई है बस आती होगी समझ नहीं आ रहा कहाँ रह गई और सर कॉल लगा के देखी ना ट्रेन मास्टर को अरे वो कॉल ही नहीं उठा रहा है मेरा कहाँ रह गई ट्रेन काम करते हैं भाई साहब न्यूज चेक करते हैं क्या पता न्यूज पे पता चल जाए क्या पता हो देख पा रहा हूँ जहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल ट्रेन स्टेशन बनाया गया है माना गया ये डायमंड बुलेट ट्रेन पांच सौ करोड़ रूपये से भी ज्यादा की है अपनी डायमंड बुलेट ट्रेन आने वाली है तो बहुत ही खुश है अरे वाह भैया डायमंड बुलेट ट्रेन आने वाली है आपने रेट सुने बोले ट्रेन के कितने थे 500 करोड़ 500 करोड़ भाई इतनी ज्यादा महंगी खैर वो डायमंड से बनी है तो भाई मान भी सकते हैं देखिए, वो रही डायमंड बुलेट ट्रेन ओ माई गॉड भाई साहब क्या ट्रेन की पटरी पर चल दे हो हो ये 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 क्या हो गया? अबे ये क्या हो गया गया ट्रेन रुक क्यों नहीं रही है भाई साहब ये, तो ये, 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 तो ये तो मेरा ट्रेन स्टेशन बर्बाद करके ले गए कोई रोको। अरे ये ट्रेन हमें उड़ा के ले जा रही है हमको बताओ ये ट्रेन हमको उड़ा के ले जा रही है अरे भाई बचाओ हमको रे बापरे ये सब क्या हुआ एक झटके में वो डायमंड बुलेट ट्रेन आई और सब कुछ तहस नहस करके चली गई अवेंजर्स हैं अवेंजर्स कहां पर हैं? है माय गॉड टोनी स्टॉक का तो पूरा स्टॉक मेंशन के साथ साथ ट्रेन स्टेशन सब बर्बाद हो गया यहाँ पर इतनी सारी सीट्स थी लोग बैठे थे मुझे लगता है ट्रेन सब को अपने ही ले गई लेकिन बुलेट ट्रेन रुकी क्यों नहीं बुलेट ट्रेन को जो भी ड्राइवर चल रहा था उसने ट्रेन को क्यों नहीं रोका भाई क्या करूं आइडिया एक काम करते हैं क्या पता न्यूज पे कोई अपडेट

बट पहले हमें यह समझना पड़ेगा भाई साहब कि असल में वो बुलेट ट्रेन गई तो गई यहां से बट पूरा का पूरा ट्रेन स्टेशन अपने साथ ले गई या फिर समुद्र में फेंक गई पता नहीं गाइस कहां मिलेगी मुझे पता है तो एक काम कर यहां से सीधा लेफ्ट काट ले और वहां पर तेरे को एक रेल की पटरी दिखेगी वो डायमंड बुलेट ट्रेन वहीं मिलेगी ऑल राइट हम वहां तो चुके हैं यहां पर ओपिटू तो सही कह रहा था वो रही सामने गाइस अगर आप चाहते हो हम इस डायमंड बुलेट ट्रेन को रोक लें और भाई साहब इस पर जितने भी लोगों को किडनेप किया गया है और जिसने भी इस ट्रेन को हाईजेक किया उसकी बैंड बजा दें तो आप लोग जल्दी से प्लीज वीडियो को अब भी की लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एवेंजर्स को बकाओ माय गॉड यहां तो सच में भाई साहब टोनी स्टार्क तेरे स्टार्क मेंशन के जो ट्रेन स्टेशन पे जितने भी लोग थे और जितना भी सामान था टिकट खरीदने की मशीन है और भाई साहब माइक से लेके स्पीकर और इवन खाना खाने के जितने भी सारे स्टॉल लगे थे वो सब के सब अभी बुलेट ट्रेन के ऊपर सवार है ओ भाई साहब यार ट्रेन स्टेशन की सीट्स भी हैं अल्क भी है पब्लिक भी है यहाँ पर अरे भैया हमको कोई तारो ये बुलेट ट्रेन बहुत खतरनाक तरीके से बोड़ती जाती जा रही है सबक अरे कहा अगर ये बुलेट ट्रेन शहर में गई तो बहुत तबाही मचाएगी बाबा कल वे उस बुलेट ट्रेन को कतरे हो के भाई तू तो बुलेट ट्रेन के पीछे ले कार को पूरे पाँच की स्पीड पर भागा अरे टोनी इतना तो ये कार भगेगी भी नहीं भाई ये बुलेट ट्रेन बहुत फास्ट है आई थिंक अभी बुलेट ट्रेन का रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आएगा वहां पे बुलेट ट्रेन स्लो होगी ओके अभी ट्रेन थोड़ी स्लो हो चुकी है टोनी क्या करना है मैं काम करता हूँ तुझे गंद देता के लिए तुझे जैसे ही मौका मिला है इस ट्रेन के टायर्स पे गन चला अरे इसके टायर्स कौन से पंचर हो जाएंगे अरे तू चला तो सही क्या पता ट्रेन का पिछले वाला डब्बा डिस्कनेक्ट हो जाए उस तो वजह से ट्रेन थोड़ी बहुत यहां पर डिसफंक्शन कर जाए ट्रेन रुक जाए चल ठीक है मैं ट्राई करता हूँ ऐसा आप लोग प्लीज वीडियो ट्राई पर ट्राई नहीं भैया आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल जल्दी सब्सक्राइब टोनी आर ये ये डायमंड बुलेट ट्रेन है भाई दुनिया का सबसे ज्यादा हार्ड

टोनी ये ट्रेन तो भाई साहब निकल गई, गए मैं तो बर्बाद हो गया मैं तो सुसाइड कर लूंगा मैं नहीं बचूंगा अरे टोनी तू इस तरह से यहाँ पे डिमोटिवेट मत हो हम किसी भी हालत में इस बुलेट ट्रेन को रोकेंगे, हमें इसके लिए सबसे पहले प्लान बनाना पड़ेगा ऐसे ही अगर हम ट्रेन के पीछे भागते रहे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है मेरे पास एक आइडिया है क्यों ना हम ट्रेन के ऊपर चढ़ जाएं और भाई ट्रेन के इंजन में जाके ट्रेन के ब्रेक लगा दें उससे हमें यहाँ पर ट्रेन का ये भी पता चल जाएगा हाईजेक किसने किया है और ट्रेन बच भी जाएगी लेकिन फ्रैंकलिन इतनी तेज चलती हुई ट्रेन पर हम कूदेंगे कैसे हम ट्रेन पर कूदेंगे ऊंचाई से उसके लिए हमें कोई ऊँचा सा पोल ढूंढना पड़ेगा या पहाड़ जिसपे से भाई साहब हम या तो अपनी कार लेके कूद जाएंगे हम ही कूद जाएंगे अरे हाँ फेंकी भैया ये वाला आइडिया बढ़िया है गाइस अगर आपको भी मेरा ये वाला आइडिया सही लग रहा है तो जल्दी कमेंट में इस लिखो हो जाता है तेरा फ्रैंकलिन आइडिया सही नहीं लग रहा बाकी आप लोग गाइज में यस लिखिए अगर आपको सही लग रहा है फ्रेंकलिंग का आइडिया नहीं लग रहा तो नो लिखिए भाई मेरी मेरी तरफ तरफ से तो हे हे हे, तरफ से तो भी ऐसी भाई अच्छा चलो ठीक है बट हम पोल कहाँ से ढूंढें इतना ऊंचा जो बुलेट ट्रेन के ऊपर हमें ठीक लगेगा मेरे पास एक आइडिया है रेल की पटरी पे ट्रैफिक लाइट जो होती है उसका जो पोल होता है वो काफी ऊंचा होता है ये वाली लाइट नहीं गाइज आ, ये वाली हाँ ये देख टोनी ये वाली जो सिग्नल स्लाइड है इनका पोल काफ़ी ऊंचा है हम इस पे चढ़ सकते हैं और जैसी रेल आएगी हम भाई साहब उस डायमंड ब्लड ट्रेन पे जंप मार जाएंगे क्या बोलता है फ्रैंकलिन आइडिया तो सही है बट वो ट्रेन बहुत फास्ट है ऐसा ना हम इतने जंप लगाएं वो हमारे नीचे से निकल जाए अरे नहीं ट्रेन बहुत लंबी है हम उसके इंजन पे अगर कोशिश करेंगे कूदने की तो हो सकता है भाई उसके डब्बे पे कूद जाएं उसके बाद तो हम चल चल के उसके इंजन तक पहुंच ही जाएंगे और पता कर ही लेंगे किसने हमारी डायमंड की बुलेट ट्रेन को हाईजैक किया है सबसे पहले मैं चलूंगा हाँ मेरा नाम है सिंजन नोहारा सबसे चैलेंज मैं मैं तो सेकेंड्स में उस डायमंड बुलेट ट्रेन पर चढ़ जाऊंगा और उस लुटेरे को छोड़ूंगा नहीं जिसने हमारी डायमंड बुलेट ट्रेन को किडनेप किया है मैं अभी आ रहा हूँ मैं भी आ रहा हूँ भाई मैं तो यार बर्बाद हो गया मेरा इतना पैसा इतनी मेहनत लगी बढ़िया उस ड्राइवर पर ट्रेन ने किसने मेरे को बर्बाद करने के लिए वो ट्रेन आई चेक कर ली भाई इतने सारे लोग उस पर फंसे पड़े हैं मेरा पूरा ट्रेन स्टेशन ले गई तो नहीं तो चिंता मत कर मेरे हिसाब से आने वाले कुछ मिनट्स में ट्रेन आई जाएगी मैं काम करता हूँ फ़ोन पर चेक कर लेता हूँ हाँ तो भाई अभी अभी मैंने चेक किया और बताया जा रहा है कि सिर्फ दो मिनट में भाई साहब ये वाले ट्रैफिक सिग्नल के पोल की तरफ ट्रेन आने वाली है कल भाई बहुत जैसी ट्रेन आएगी भाई तब मैं तो सीधा कूद जाऊँगा

और आराम से अवेंजर्स को बचा ए, कुछ क्या ये 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 ये। ओ भाई सब सिंचन तू ठीक है हाँ मैं ठीक हूँ अवेंजर्स मैं आ गया हू? मैं भी आ रहा हूँ बाप रे ट्रेन इतनी चिकनी है मेरे पैर ही फिसल गए अरे बाप रे ये ट्रेन की हवा से तो मैं हवा में उड़े जा रहा हूँ और इसी स्टॉल में घुस गया ये क्या हो रहा है मैं मैं ट्रेन के इंजन को कहा से ढूंढू अजी रे वो कौन है हल्का डर लग रहा है कोई नीचे उतारो ही ये तो हल्क भैया है भैया क्यों है है आपको बचाने आ गया सिंचा इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है ट्रेन का इंजन भी नहीं खुल रहा है मंदिर नहीं पहुंच पा रहे क्या अगर हम अंदर नहीं पहुंच पाएंगे ट्रेन रोकेंगे कैसे तो नहीं भैया ट्रेन का इंजन नहीं खुल रहा है हम अंदर नहीं जा सकते ओए हम तो मारे जाएंगे ओए किसी ने क्या कर दिया ये अरे गाइस मेरे को तो मौका भी नहीं मिला कूदने का भाई ट्रेन गया भी हो गई और टोनी भी भाई ट्रेन से फिसल के नीचे गिर गया और सिंचन बोल रहा है कि ट्रेन का जो इंजन है उसको हम खोल ही नहीं सकते किसी ने अंदर से पक्का डोर लॉक कर लिया है टोनी अब क्या करें भाई अब तो मुझे लग रहा है फ्रैंकलिन हम एक-एक करके छलांगें लगा सकते हैं हमें पूरी कार को ही ट्रेन के ऊपर चढ़ाना होगा अरे हां उससे हम सेफ भी रहेंगे एक बार को अगर हमारी क्रैश लैंडिंग भी हुई तो कार को चोट आएगी हम लोगों को नहीं चल 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 अरे जल्दी बैठो पिंचन चौपा भाई बस सिंचन तो कूद गया टोनी तेरा वक्त की क्यों नहीं है अरे मेरी उम्र हो गई है भाई अब मैं क्या ही करूं और मेरा आयरन मैन का सूट भी तो नहीं है मैंने उसको बेच के ही तो पैसे लगाए थे इस डायमंड बुलेट ट्रेन में मैं तो बर्बाद हो गया टोनी तो चिंता मत कर हम इस डायमंड बुलेट ट्रेन को भी बचा लेंगे और इस पर बैठे या फिर फंसे हुए लोगों को भी बस एक बार सही हमारी लैंडिंग हो जाए ऑलराइट गाइस अभी हमारे लेफ्ट से डायमंड बुलेट निकलती जा रही है और हम लोगों को यहां से सीधा जंप लगाना पड़ेगा यहीं यहीं यही से से पीछे चले और सीधा मार भाई छठे गियर में खुद छठे गियर में फोड़ ये। ये ये दी तूने वो क्या कर रहा है? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा भाई वो ट्रेन कुछ ज्यादा ही फास्ट है यार कब निकल जाती है समझ ही नहीं आता लिटरली में भाई कोई नहीं हम ट्रेन का पीछा करते हैं मैं इस ट्रेन को छोड़ूंगा नहीं फ्रैंकलिन ट्रेन मुझे बर्बाद कर देगी अरे इसमें ट्रेन की क्या गलती टोनी जिसने हाईजेक किया है ट्रेन को वो एक बार पता चल जाए वो है कौन भाई उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई ट्रेन यहाँ पर लिटरली में भाई साहब शहर की तरफ बढ़ती चली जा रही है और मेरा कंसर्न भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है फ्रैंकलिन ट्रेन को शहर से पहले ही हमको रुकवाना होगा लिटरली में वरना भाई शहर का मेयर मुझे शहर से बाहर निकाल देगा वो सोचेगा इस मेरी गलती है मेरी वजह से तबाही हो रही है सोनी से चिंता मत कर हम उस ट्रेन के पास रे फ्रैंकली काम कर भाई इस कार को ट्रेन के आगे लगा अरे नहीं, टोनी, उससे कोई फायदा नहीं है, जानता है ना भाई टैंक नहीं रोक पाए थे तो भाई साहब कार क्या रोक लेगी और मैं यहां पर आरपीजी का इस्तेमाल करके ट्रेन को ट्रैक से उतारने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि ट्रेन की स्पीड धीमी और वो रुक जाए बट भाई साहब ये ट्रेन तो चिपक चुकी है अपने ट्रैक से ये यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही है टोनी देख

सौ करोड़ रुपए की सुपर बाइक ऐसा क्या है इसमें अरे तूने सुना नहीं क्या पिंचन उस बाइक के सौ क्लोन्स बनाए जा सकते हैं और भाई साहब वो बाइक वैसे नॉर्मल बाइक में तो गाइस दो टायर ही होते हैं बट टोनी बता रहा है उसमें तीन टायर है भाई। वो भाई को पहले तो मैं अवेंजर्स की ऑफिशियल बाइक बनाने वाला था बट रेडलॉक ने जब मुझे इतनी अच्छी डील दी और मुझे अपनी ट्रेन में इन्वेस्ट करना था पैसा तो भाई साहब मैंने सौ करोड़ में उसको बेच डाला बट अभी रेडलॉक में हमको देगा नहीं बाइक अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई कुछ टाइम के लिए चुरा लेंगे वैसे भी चोर के घर से चोरी करने में क्या बुराई है वो बात तो तूने सही कही भाई रडल कितना बड़ा कैसे हो गया अरे ये बड़ा नहीं होया ये अपने सूट को पहन के इतना बड़ा लग रहा है हा हा अरे मजा आ गया मेरी सौ करोड़ की सुपर रेड बाइक अरे बाप रे देखें तो सही ऐसी कौन सी सुपर रेड बाइक है यार इस रडल की जो इतना ज्यादा खुश हो रहा है भाई ये और उसकी बाइक को तो हमें लेना पड़ेगा और भाई साहब उसके हंड्रेड क्लोन्स का इस्तेमाल करके हम अपनी बुलेट ट्रेन को भी रोक के रहेंगे फ्रैंकली मेरी बात सुन मैं इस को डिस्ट्रैक्ट करूंगा उसके लिए सबसे पहले मैं वेर हाउस पर चढ़ूंगा वहां से कुछ बॉम्ब फेंक कर रेड जैसे ही मेरी तरफ अटैक करना शुरू करेगा तू सीधा भाई साहब इस सुपर रेड बाइक को लेकर भागी और सुन इसमें एक बटन है रेड वाला जैसे ही तू उसको दबाएगा इसके हंड्रेड क्लोन्स एक्टिव हो जाएंगे और तुझे किसी भी तरह से हंड्रेड क्लोन्स का यूज करके उस सुपर डायमंड बुलेट ट्रेन को रोकना पड़ेगा तू मेरी चिंता मत करना एक बार को रेडल को है भाई मुझे बेहोश करते बीटते बीटते पर मुझे बचाने मत मताना कैसी बातें कर रहा है टोनी भाई तेरे बिना मैं कुछ नहीं करूंगा पहले मैं तेरे को ही बचाऊंगा और तू तो फंसा भी खतरे में फिक्की भैया बिल्कुल हम टोनी भैया को पहले बचाएंगे भाई टोनी तू तो चिंता मत कर हम बाइक भी ले लेंगे तुझे ही बचा लेंगे अच्छा ठीक है ठीक है बट प्लीज भाई यहां पर तुम्हें ना मेरी जान का सवाल है वो बुलेट ट्रेन रोकनी है चाहे कुछ भी हो जाए हाँ टोनी तू चिंता मत कर राइट अभी मैं कुछ बॉम्ब्स लेता हूँ और सीधा वेराउस की तरफ से जाता हूँ और आ अब तो मैं इस बाइक का शौक लोन बनाकर चोर करूंगा इस राइडर को तो गलती बेच दी मैंने बाइक ये तो मेरी बनी बनाई बाइक से भाई साहब चोरी करेगा हा। इस तक तो बाइक अब रहनी नहीं चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए एक बार यहाँ पर बाइक मिल जाए फिर तो मेरी डायमंड की बुलेट ट्रेन भी रुक जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि बुलेट ट्रेन को हाई जेक किसने किया है ऑलराइट

ये तो मेरी चटनी और देगा ऊपर वाले मुझे बचा ले आज कर दिया चलो चलो चलो, चलो पिंचन चौंप जल्दी चलते हैं भाई वरना वो टोनी को नहीं छोड़ेगा चलो 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 जल्दी कार में बैठते हैं भाई साहब गाइस टोनी ने कुछ ज्यादा ही बड़ा खतरा अपने सर मोड़ लिया मैं तो उससे पहले ही बोल रहा था कि कोई और प्लान हो तो बाबा जल्दी चलो फेकि भैया पहले ही काम करते हैं पहले बाइक ले लेते ले हैं उसके बाद टोनी भैया को बचाएंगे और हाँ बात तो सही कहा अगर टोनी को अपने बचा लिया तो रख का ध्यान उसकी बाइक पे जाएगा इसलिए बाइक को लेना पहले जरूरी है इसलिए गाइस जल्दी से बाइक को काम करते हैं कार के ऊपर चौप इसको संभाल के रखना अपने बाँगा। 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 मुझे डर लगा तूने मुझे ग्लास के आगे फेंक दिया भाई और आ

पांच मिनट में हमें इस बाइक के सुपर खतरनाक वाले क्लोन्स बनाने हंड्रेड और यहां पर उस बुलेट ट्रेन आने से पहले इसे सेटअप करना होगा हम राइट सब कर लेंगे भाई सब कर लेंगे अब गाइस देखिए हमारे पास पाँच मिनट है और बुलेट ट्रेन इधर से या वैसे किधर से भी आए हमें उससे क्या मतलब बस यहाँ पर हमें बुलेट ट्रेन को इस वाली बाइक से रोकना है और हमारा काम एक बार सफल हो गया भाई साहब तो उसके बाद हो सकता है कि टोनी स्टाक हमें पैसा भी दे, दे दे भाई और वैसे भी अब भी तो यार उस बुलेट ट्रेन पर ही फंसे पड़े हर जब पिंचन जल्दी यहाँ से बेचारा सिंचन भी तो यार उस डायमंड बुलेट ट्रेन पर फंसा हुआ है ऑल राइट पर सेट की मैंने ऑल राइट टोनी अब क्या करना था इसमें लाल बटन है फ्रेंड जल्दी से उस लाल बटन को दबा दे उसके बाद देख कैसे हंड्रेड क्लोन्स एक्टिव होते हैं और राइट right, मैंने लाल बटन दबा दिया ऑफ कुछ टाइम में ही ये बुलेट ट्रेन को रोकने वाली सुपर बाइक हा सौ में बदल जाएगी ओके भाई अरे सच में ही सौ बन गई क्या चलो देख तो लूं। फ्रैंकलिन गिनती करते करते थक जाएगा पर गिनती कर नहीं पाएगा भाई बहुत स्पेशल बाइक बनाई थी मैंने ये सौ करोड़ में सौ बाइक दी थी मैंने रड़क को पर वो चोर कहीं का इससे गलत काम करने का ही सोचा अच्छा हुआ हमने उससे बाइक वापस ले ली का चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पर कोई भी बाइक यहाँ पर आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं है नहीं नहीं नहीं, नहीं। गाय सबके सब, सब यहां पर बढ़िया ट्रैक से लगी पड़ी है अब एक काम करते हैं जल्दी से यहां पर बुलेट ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं एंग्लैंड मैं तो बोलता हूं डबल सिक्योरिटी के लिए अपने हाथ में आरपीजी रॉकेट भी ले ले जैसे ही बुलेट ट्रेन आया भाई और तुझे लगे कि ये बाइक थोड़ी सी कम पड़ रही है उसको रोकने में तो हम आरपीजी से उसके इंजन को खराब कर देंगे फिर तो बुलेट ट्रेन रुक जाएगी अगर बुलेट ट्रेन खराब हो भी गई तो मैं उसको दोबारा रिपेयर कर लूंगा पर कम से कम बुलेट ट्रेन रोक रोक तो जाएगी भाई बात तो नहीं तूने सही कहा एक मिनट ये बाइक्स हिलने क्यों लगी है मुझे

ये तो भाई साहब इतनी सारी बाइक्स जो कि सुपर बाइक्स है उनको भी ये ले ये ले जल्दी मारता हूं। अरे रुक जा भाई साहब ये डायमंड की बुलेट ट्रेन है

बट बुलेट ट्रेन भाई रुकना तो छोड़ो गाइस थोड़ी सी उसकी स्पीड भी कम नहीं हुई मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि अब हम किस चीज़ का इस्तेमाल करें अरे हाँ धोनी मैं क्या बोलता हूँ क्यों ना हम यहाँ पर एक एरोप्लेन का इस्तेमाल करें क्या एरोप्लेन को थोड़ी लगाएंगे भाई बुलेट ट्रेन को रोकने के लिए हैं। और डबल नुकसान हो जाएगा अरे नहीं तो समझा नहीं हम एयरपोर्ट जाते हैं वहाँ से एरोप्लेन लेते हैं और एरोप्लेन पे से भाई साहब हम लगाएंगे जंप और भाई उसका इस्तेमाल करके हम सीधा कार के एर, कार नहीं बुलेट ट्रेन के ऊपर पहुंच जाएंगे और हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे बुलेट ट्रेन के इंजन के डोर को अनलॉक करने का उसके बाद बुलेट ट्रेन को हम ब्रेक ला रोक देंगे और भाई जिसने भी ट्रेन को हाईजेक किया है उसकी भी बैंड बजा जा देंगे वाह कल ये आइडिया तो सबसे ज्यादा जीनियस भाई बस किस बात का देर जल्दी चलो डॉक्टर स्ट्रेंज भैया आप कुछ कीजिए ना आप इस बुलेट ट्रेन को रोकिए ना आप तो टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं मुझे टेलीपोर्ट कर दीजिए ना मत हो जाए तो टेलीपोर्ट नहीं कर पाऊंगा लेकिन हाँ मैं यहाँ पर बुलेट ट्रेन को रोकने के लिए इसके सामने रुकावटें डाल सकता हूँ टेलीपोर्ट करके अरे तो किस चीज़ का इंतजार है डॉक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज स्ट्रेंज जल्दी जल्दी कर कर कसम ठीक है मैं आबरा का डाबरा करके यहाँ पर बहुत सारी रुकावटें खड़ी कर देता हूँ

लावा गॉड यहाँ पर क्या कर रहा है भाई साहब मुझे लगता है सारे बुरे काम आज ही होने थे हमारी जिंदगी में लॉस एंटोस का ये वाला एयरपोर्ट अब मेरा है पूरे का पूरा एयरपोर्ट पे अब मेरा राज है यहाँ पर कोई भी मेरी मर्जी के बिना प्लेन नहीं ले जा सकता वट ये लावा गॉड ने पूरे एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया टोनी अरे कुछ कर भाई अभी तो मेरा पूरा ध्यान उस डायमंड बुलेट ट्रेन की तरफ है इसको तो तू ही संभाल ओए लावा गॉड के बच्चे हमें यहाँ पर लिटरली में इमरजेंसी में भी एक 500 करोड़ की बुलेट ट्रेन को बचाना है और साथ साथ में उसमें कम से कम 100 पैसेंजर्स हैं और 200 से ज्यादा भाई साहब यहाँ पर हमारे ही दोस्त हैं न जाने कौन कौन थे जो बुलेट ट्रेन को देखने आए थे वो भी उसके साथ ही टंगे लेकिन प्लीज रोड हमें एक प्लेन ले जाने दे बकवास बंद करो प्लेन ले जाना है तो टिकट खरीदो एक हजार डॉ पर बंदा अभी तो एक रुपया नहीं है यार हमारे पास देने को यार ये क्या लावागौट शॉट के बच्चे तो ये छोड़ेंगे नहीं ये क्या कह दिया ओ भाई कलवे वो तो ही हुआ तो भाई तो हम भी अरे नहीं मैं तुम सबको अपना बंदी बना लूंगा समझो यहाँ पर एयरपोर्ट मेरा है मैं फ्री में किसी को कोई काम नहीं करने दूंगा आ, अरे बाप रे बुरी तरह से मार दिया उसने तो क्या हालत करी है फ्रैंकी भैया कुछ कीजिए अबे फ्रैंकलिन उसने तो हमें जाल में बंद कर दिया अब क्या करें अब तो गायस पिंचन चौप ही कुछ कर सकते हैं पिंचन चौप कमेंट में प्लीज हेल्प मी लिखिए पिंचन चौप यार एक मिनट वहां पे बॉम्ब से क्या अगर उन बॉम्ब को हम ब्लास्ट कर दें तो लावा लावागोट की बैंड बच सकती है बट वहां तक पहले हमें पहुंचना पड़ेगा उसके लिए जाल तोड़ना पड़ेगा फ्रैंकलिन बात तो तूने सही कही बट ये पिंचन चौप है कहाँ पर फंकी भैया आप चिंता मत कीजिए मैं और चौप आपको बचा लेंगे लावा लावागौट से लड़ेंगे अरे फंकी भैया को बचाने के लिए लावा लावागढ़ से लड़ने की नहीं है तो फिर तुम लोग क्या करने वाले हो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अरे कुछ भी करो बट हमें बचाओ <laughs> तो तुम लोग यहाँ पर बुलेट ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हो इसका मतलब तू ही है ही बापरी ब्लैक फ्रेंड भैया तुम तुमने ट्रेन को हाईजेक किया है और नहीं तो किसने किया है अरे 500 करोड़ की डायमंड बुलेट ट्रेन है

मैं सुपर बूस्टर से आ रहा हूँ जीते उड़े और बाबरे क्या जाल टूट गया और वो ऑटो नहीं जाल टूट गया ऑलरेडी गाइस right, और नहीं ये कहाँ जा रहा है तो फ्रैंकलिन अब भी बताता हूँ गाइस पता नहीं किसने लावा गॉड के पास इतने खतरनाक बॉम रखे पर जिसने रखे खूब रखे ले ए, पापा ये क्या हो गया फाइनली हमने रेड लावा गॉड की अच्छी खासी बैंड बजा दी टोनी यही सही मौका है अब लावा गॉड इससे पहले की आए और भाई साहब हमको इस बार खतरनाक वाली जेल में डाल दे जल्दी से दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन लेते हैं ये वाला प्लेन सबसे सही रहेगा चल 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 फ्रेंकलिन जल्दी उड़ा इसको भाई मुझसे इंतजार नहीं हो रहा मुझे डायमंड बुलेट ट्रेन को रोकना है चाहे कुछ भी हो जाए चले चले चलते हैं एक बार का पता चल जाए किसने डायमंड ब्लड ट्रेन को हाईजेक इसको तो छोड़ूंगा नहीं अगर दोस्तों आपको पता है तो प्लीज कमेंट में उसका नाम लिखिए दोस्तों अगर आपको पता है तो प्लीज नाम लिखिए नाम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो जल्दी से राइट टर्न मार भाई बुलेट ट्रेन शहर की तरफ पहुंचने वाली होगी ऑल प्राइटाइज फाइनली हमारा जो प्लेन है वो यहाँ पर हवा में उड़ चुका है और भाई साहब हमें सही तरह से और सही जगह पे हमें लैंडिंग करनी होगी नहीं नहीं फ्रैंकलिन हम प्लेन को लैंड नहीं कर सकते तू हवा में प्लेन को उड़ाता रहियो फिर मैं कूद जाऊँगा नहीं भाई मैं भी कूदूंगा भाई चौप मैं चला लूँगा प्लेन को कोई दिक्कत नहीं है भाई अरे चौप तू कैसे प्लेन को चलाएगा फ्रैंकलिन अभी इस समय हम बुलेट ट्रेन के एक्सैक्ट ऊपर हैं मेरे हिसाब से हम यहाँ से जंप लगा सकते हैं और हाँ बात तो सही के भाई एकदम तो सही है तो सबसे पहले कौन कूदने वाला है सबसे पहले तो भाई साहब मैं ही कूदूँ अरे वापरे मेरी तो टांग टांग है काँप रही है

යාභ කාංකූතිකයා ඔන්නො.

एयरपोर्ट पे अब यहाँ से बस कूद ही जाते हैं अब कल जल्दी कर भाई मुझे भी कूदना है अरे हाँ रुकना चौप यार गाइस बहुत हो गया ऊपर वाले का नाम लेते हैं और कूद जाते हैं चलो 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 अरे गाइस एक लाइक कर दो मेरे लिए बस मरना ना जाओ मुझे बहुत डर लग रहा है अरे रर रर मेरे तो हाथ भी जैम ये क्या अरे मेरे को तो कुछ दिखी नहीं रहा चौप अरे चौप कहा पर है भाई ये कलवे का बच्चा तो भाई साहब नीचे गिर गया जमीन पे भाई कोई बात नहीं है वो मैं कूदूंगा यहाँ पे ये ये वन टू थ्री ढाकड़ी की कबड्डी 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 अरे अरे भाई साहब ये भाई ये ये तो बहुत ही नीचा ही है कोई बात नहीं है वो मैं एक बार कूद गया तो ट्रेन के नीचे ही जाऊंगा अब नहीं नीचे नहीं जाना मेरे को ट्रेन के ऊपर कूदना है और बापरे अब चौब जल्दी कूद जा और कूद गया भाई साहब भाई ये क्या हो रहा है मेरे कोई है मैं कब से बेहोश पड़ा हूँ लोहे को लोहा काटता है जहर को जहर काटता है मैं समझ गया था यहाँ पर और कोई ऑप्शन था ही नहीं घट मैं कितने घंटों से था? तीन घंटों से था, फ्रैंकलिन दो मैंने यहां पर ट्रेन के पचरे कचरे वचरे उठाए और यहाँ पर डायमंड्स जो मेरे पास बचे थे उसका इस्तेमाल करके मैं इस बुलेट ट्रेन को बना रहा हूँ क्या तू यहाँ पर दूसरी डायमंड बुलेट ट्रेन बनाने रही नहीं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था ट्रेन भाई साहब शहर में भी घुस गई और ना जाने उसने कितने घर तबाह भी कर दिए तू कब से बेहोश था ओह oh, नो no, मुझे माफ कर दे भाई यहाँ पर ट्रेन को रोकने का सिर्फ एक ही मौका है फ्रैंकलिन ये डायमंड बुलेट ट्रेन बनानी पड़ी मुझे मैं इस डायमंड बुलेट ट्रेन को पूरी तरह से तो डायमंड की मैंने बनाया बट इसका इंजन मैंने प्योर डायमंड का बना दिया है मेरे हिसाब से जब दोनों ब्लड ट्रेन के इंजन एक दूसरे से टकराएंगे तो जरूर भाई साहब ट्रेन को रोकना ही पड़ेगा और फ्रैंकलिन अभी मैंने ब्लड ट्रेन को पूरी तरह से रेडी कर दिया है अब बस हमें इस ट्रेन को लेके जाना पड़ा पड़ेगा और दूसरी वाली रियल रियल डायमंड ट्रेन 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 के सामने खड़ा करना होगा। तो अभी वो रियल ट्रेन रोक पाएगी? गॉड oh भाई भाई टोनी तूने कमाल कर दिया घंटे में दूसरी ब्लड ट्रेन जो कि कचरे जैसी थी उसको डायमंड का बना दिया वारी 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 बाद में करना चलते हैं है, हालांकि नहीं लगा बट इसका इंजन भी में ऑल राइट गाइज ये वाली बुलेट ट्रेन काफ़ी फास्ट चल रही है बट हाँ रियल वाली को ज्यादा तेज चल रही थी फ्रैंकलन हमने फाइनली ट्रेन को तो लगा दिया है भाई साहब बुलेट ट्रेन को स्ट्रेट ट्रैक पे ऑल राइट गाइज देखिए अभी हमारी जो दूसरी वाली ट्रेन है बुलेट ट्रेन मतलब डायमंड वाली उसको हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया है और आने वाले दो तीन मिनट में सामने से भाई साहब पहली वाली मतलब जो असली वाली डायमंड बुलेट ट्रेन है वो आएगी और इनका खतरनाक वाला क्रैश होगा पता नहीं गायज़ ये क्रैश में ट्रेन रुकेगी अब और भाई साहब इस वाली ट्रेन को भी वो लेके जाएगी ये क्या सामने तो एक और ट्रेन है बाप रे क्या हो रहा है अब फ्रैंकलिन देख यहाँ पर भाई साहब वो दूसरी ट्रेन आ चुकी है ओके okay, गाइस अभी देखिए यहाँ पर इतनी सारी पब्लिक भी है और ट्रेन का क्रैश होने वाला है नहीं 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 भाई साहब क्या धमाका हुआ मैं फिर से बेहोश हो गया था क्या अरे बाप रे एक मिनट मैं तो स्टॉक मेंशन में हूँ सब ठीक है ओह माय गॉड यहाँ पे तो पब्लिक बैठी है अरे मजा आ गया बुलेट ट्रेन में बैठ के अरे भैया मजा ही आ गया व्हाट

और गाइस पर देखिए हमारी डायमंड ट्रेन फाइनली रुक चुकी है और वो ब्लैक फैंगल का बच्चा कहाँ पर गया जिसने ट्रेन को आइजा किया था उसका हमने जेल भेज दिया गाइस अगर आप चाहते हैं हम पार्ट टू में ब्लड ट्रेन की वो भी डायमंड वाली ब्लड ट्रेन की सवारी करें तो कमेंट में जल्दी पार्ट टू लिखिए और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए बहुत मजा आएगा थैंक यू सो मच